आज महाराज दोनों महारानियों के साथ दरबार में पधारे हैं, कोई विशेष प्रसंग है क्या? हम भी चकित हैं पंडित रामकृष्ण, और हमारे मन में भी यही विचार है। महाराज कृष्णदेव राय की, महाराज कृष्णदेव राय की जय, महाराज कृष्णदेव राय की जय। महाराज, महाराज हम ये पूछना चाहते थे कि आज कोई विशेष आयोजन है या प्रजा के लिए कोई विशेष घोषणा की जा रही है महाराज? जी महामंत्री जी, आज का दिवस विशेष तो अवश्य है। आज हमारे राज दरबार में पंडित रामकृष्णा समय से पहले ही उपस्थित हैं। देखा देखा गुरु जी, देखा आपने, आज पंडित रामकृष्ण दरबार में समय पढ़ के आ गए। हमारे महाराज को ये भी विशेष तौर पर ध्यान में रहता है। हाँ, इसके लिए भी महाराज पंडित रामकृष्ण को पुरस्कार न दे दे। गुरु जी, पुरस्कार पर पुरस्कार, पुरस्कार पर पुरस्कार ये प्राप्त करते जा रहे हैं, और आपका क्या क्या भैंस की पूंछ। पंडित रामकृष्ण, व्यथित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम तो परिहास कर रहे थे केवल। वैसे आज हम एक विशेष घोषणा तो करने जा रहे हैं। आप सभी को भलीभांति विदित है कि हर मकर संक्रांति पर हम काली माँ की महापूजा का आयोजन करते हैं, और इस अवसर पर हम माता जी को आभूषण चढ़ाते हैं। अमूल्य आभूषण सदियों से हमारे पूर्वजों के समय से हमारे राज्य का सम्मान है, मां का आशीर्वाद है, क्यों गुरुवर? जी महाराज, सत्य है जी। और प्रतिवर्ष हम ये आभूषण मां को अर्पित करते हैं। हमारे वरिष्ठ आचार्य शर्मुखानंद स्वयं आते हैं, ये मंजूषा अपने माथे पर उठाते हैं, स्वयं पैदल चलकर मंदिर जाते हैं और वहां पर महापूजा का आयोजन करते हैं। परंतु इस वर्ष ये संभव नहीं होगा, किसी कारणवश आचार्य शर्मुखानंद यहां पर उपस्थित नहीं हो पाएंगे। क्षमा करें महाराज, वर्षों से चली आ रही प्रथा और परंपरा को हम कैसे समाप्त कर सकते हैं? यदि शर्मुखानंद जी नहीं आ रहे हैं तो मां के आभूषण मंदिर तक कौन लेकर जाएगा? आप गुरुवर, आपके अतिरिक्त कौन है जो हमारे राज्य में ये कार्य संपन्न कर सकता है? हम चाहते हैं कि आप ये मंजूषा स्वयं अपने माथे पर उठाएं। इस वर्ष स्वयं आप पैदल चलकर उस मंदिर तक जाएं और स्वयं उस महापूजा को संपन्न करें। हम और हमारी महारानियां भी आपके साथ उस मंदिर तक पैदल चलेंगे। और हाँ गुरुवर, परंपरा अनुसार महापूजा के पश्चात जो दान दक्षिणा होगी वो इस वर्ष आपको स्वीकार करनी होगी। गुरुजी, गुरुजी, जिस सुनहरे अवसर की आप वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे, वो अवसर स्वतः ही आपकी चोली में आकर गिर गया। इस अवसर को गवाएंगे क्या मन? हाँ, अवश्य अवश्य, ये अवसर हम कदापि नहीं गवाएंगे। क्या ऐसे क्या देख रहे हैं? हमारे कहने का तात्पर्य है, महाराज की आज्ञा सर आंखों पर, महाराज कहें और हम ना करें ऐसा हो ही नहीं सकता है। माँ काली की सेवा करने का जो अवसर हमें सौभाग्य से प्राप्त हुआ है, हम पूरी निष्ठा से उसे संपूर्ण करेंगे। हमारे तप हमारी भक्ति से प्रसन्न होकर माँ काली हमें साक्षात दक्षिणा दर्शन भी दे सकती है। गुरु जी, आवश्यकता से कुछ अधिक हो गया, अपने मुंह पर नियंत्रण रखिए। क्षमा करें महाराज, यदि माँ के आभूषणों की मंजूषा हम अपने सर पर रखकर ले जाएंगे तो महापूजा की संपूर्ण तैयारियां हम कैसे कर पाएंगे महाराज? आप तनिक भी चिंतित ना हो गुरुवर, आप बस आभूषणों की मंजूषा लेकर अपनी यात्रा आरंभ करें। मैं उसके पूर्व ही मंदिर पहुंचकर महापूजा की सारी व्यवस्था कर लूंगा, आप वहां आकर अपनी महापूजा आरंभ कर लीजिएगा। अद्भुत पंडित रामकृष्ण, हम आपकी इच्छा का सम्मान करते हैं,
महामंत्री जी। महाराज, इस शोभा यात्रा की पूर्ण व्यवस्था एवं सुरक्षा का दायित्व आपका रहा। आप निश्चिंत रहे महाराज। महाराज चलिए गुरुजी, महापूजा की सामग्री की लंबी सूची बनाने का समय आ गया है। मकर संक्रांति के दिन काली माँ की महापूजा के अवसर पर अमूल्य आभूषण मंदिर ले जाए जाएंगे। तुम्हें ज्ञात है ना तुम्हें क्या करना है? हाँ मुझे ज्ञात है। ये कार्य किसके निर्देश पर हो रहा है यह भी तुम्हें भली भांति ज्ञात है, इसलिए किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। आपको आभूषण मिल जाएंगे, पर यह चोरी नहीं, विजयनगर पर संकट की शुरुआत है। रुक जाइए, वहीं रुक जाइए। अरे वाह शारदा, इतनी बड़ी रंगोली। हाँ अम्मा ने आदेश दिया है, पोंगल है ना, इसीलिए इतनी बड़ी रंगोली बनाई है। कैसी है? बहुत अच्छी है, किंतु बिगड़ जाएगी। बिगड़ जाएगी? क्यों बिगड़ जाएगी? इतनी बड़ी बनाई है कि पूरा मार्ग अवरुद्ध हो गया है। अब बताओ भला, कोई भी अंदर जाने के लिए इतनी लंबी छलांग लगाकर द्वार में प्रवेश कैसे करेगा? सामान्य सी बात है, रंगोली तो बिगड़ ही जाएगी ना। अगर किसी ने रंगोली खराब की ना तो मैं टांग तोड़ दूंगी उसकी। तुम चिंता ना करो अम्मा, मैं अंदर प्रवेश भी कर जाऊंगा और तुम्हारी रंगोली भी नष्ट नहीं होगी। रुको। अरे क्या हुआ? अरे अब गोविंद माँ को प्रणाम कर लो। अरे प्रणाम क्या अम्मा, मैं तो साष्टांग दंडवत प्रणाम कर रहा हूँ। जय गोबे मामा की। अरे अम्मा बड़े जोरों की भूख लगी है और मैं यहाँ अपने घर में प्रवेश नहीं कर पा रहा हूँ, क्या करूँ? कोई बात नहीं, संक्रांति तक घर में प्रवेश करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब बाहर ही रहो, बाहर ही नहाओ, बाहर ही खाओ और रंगोली खराब मत करना। शारदा मुझे बड़ी जोरों की भूख लगी है, वहाँ मंदिर जाकर महापूजा की व्यवस्था भी करनी है और यहाँ मैं अपने घर के अंदर नहीं आ पा रहा हूँ। अंदर आने दो ना, भोजन करना है। ये क्या कर रहे हैं आप? इसे अम्मा को मारेंगे? देखिए संभाल के सर पे ना लगे। क्या तात्पर्य तेरा? सर पर ना लगे, कहीं और लग जाए तो चलेगा? नहीं अम्मा देखो ना, आपने लाठी उठाई तो इन्होंने बांस उठा ली, ऐसा लग रहा है जैसे आपसे द्वंद करने जा रहे हैं। देखा अम्मा, मैं अंदर आ भी गया, तुम्हारी रंगोली भी नष्ट नहीं हुई और मुझ पर पुष्पों की वर्षा भी हुई। वाह आपने तो कितना अद्भुत प्रदर्शन किया। गुंडप्पे घर के बाहर इतनी बड़ी रंगोली बनी हुई है, अब से मकर संक्रांति तक तेरा घर के बाहर आना जाना सब वर्जित है, क्रीड़ा करना भी वर्जित है, समझा? तो क्या हुआ, मैं तो घर के बाहर दत्त बाल गया और घर के अंदर दत्त बाल आया, मैं तो अभी भी घर के बाहर ही डाल रहा हूँ। हैं? तू कैसे बिना रंगोली बिगाड़े घर के अंदर बाहर आता जाता है, बता? एक टन देखा ऐसे। क्यों रामा, बड़ा चतुर बनता है, व्यर्थ में कलाबाजी दिखा रहा था। अरे तुझसे ज्यादा चतुर तो ये गुंडप्पा है। चुप कर, बड़े बड़े प्रसंगों में ऐसी छोटी छोटी बातें हो जाया करती हैं। रहने दे रहने दे, मैं तो बस शारदा को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा था। शीघ्रता कीजिए स्वामी, अभी आपको पूरे 100 गन्ने चबा चबा कर खाने हैं। क्या शीघ्रता करो शीघ्रता,
ये वरुण माला, ये गन्ने हैं, गुड़ की डली नहीं है कि मुंह में डाला और भोग। भाग्यवान हम इंसान है, आती नहीं है जो एक ही बार में ठूस ले। परंतु खाने तो पड़ेंगे ना स्वामी, हमने मन्नत तो मांगी है संक्रांति में आपके उत्तम स्वास्थ्य के लिए, इसी के लिए आपको 100 गन्ने खाने होंगे। हा? जी वो क्या है? खाइए खाइए, चबा चबा के खाइए गुरु जी, पर तब की सोचिए जबकि आपके मुख में एक भी दांत शेष नहीं बचेगा। अगर हमारे गुरुजी के मुंह में दांत ही नहीं होंगे तो हमारे गुरुजी हमको कैसे कोसेंगे बगैर दांत के? करके दिखा करके काम के न काट के दुश्मन रात के। ऐसे नहीं करते, ऐसे करते। अरे धनी मनी, तुम इधर आओ। गुरुजी, अरे मूर्खो, ये तो विचार करो। कुछ समझे नहीं गुरुजी, क्या कहा? यही तो समझाने का प्रयास कर रहे थे। यदि हम दंतहीन हो गए तो कल की महापूजा में मंत्रोच्चारण कैसे करेंगे, अब समझे? प्रिय बरु, हम पर आज दया करो, कल की महापूजा हो जाने दो, उसके पश्चात आप जितने गन्ने कहेंगी हम उतने गन्ने खाएंगे। जो आज्ञा स्वामी, हम आपकी बात मान लेते हैं, परंतु महापूजा के पश्चात आपको पूरे 150 गन्ने खाने होंगे। भगवान, कोई बात नहीं गुरु माता, हमारे गुरु जी 150 क्या, 100 सहस्त्र गन्ने भी बड़ी आसानी से खा लेंगे। दुष्टु, तुम्हारी दुष्टता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। गुरुजी, इसका कहने का मतलब है कि कल आपको माँ काली का आभूषण के मंजूसा लेकर पद यात्रा करनी है ना, उसके लिए तो आप थोड़ा सा विश्राम कर लीजिए गुरुजी। अवश्य अवश्य, उचित, अति महत्वपूर्ण कार्य है ना, तो हम तनिक विश्राम करेंगे, आप जाइए। जो आज्ञा स्वामी। रुकिए, जाइए गन्ना चुरी। जय माँ काली, 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 जय माँ काली। गुरुवर, प्रतीत होता है कि आप चलते चलते क्लांत हो रहे हैं। अरे हमारे गुरुजी को इतना परिश्रम करने का अभ्यास नहीं है ना। किंतु गुरुवर, आज तो आप हमें थप्पड़ भी नहीं मार सकते। मारेंगे कैसे, गुरुजी के दोनों हाथ तो व्यस्त हैं। तो गुरुजी, आप मन ही मन में मारने की कल्पना करके प्रसन्न हो सकते हैं। गुरुजी, हम मार खाने को प्रस्तुत है। बोलो मत, हम मंत्रों की शक्ति से भी थप्पड़ मार सकते हैं। क्या? मारिए मारिए, मार के दिखाइए दिखाइए दिखाए दिखाइए दिखाइए। अभी हम कलार थे, हमारे गुरुजी को विश्राम की हो सकता है ना, लेकिन अब विश्राम तो कर ही नहीं सकते गुरुजी। अशुभ हो जाएगा ना, अशुभ। चलते मंदिर अब कितनी दूर है भाई? बस 2 कोस की यात्रा और शेष है। क्या हुआ गुरुवार, कोई समस्या है? अब समस्या ये है महाराज कि हमें कोई समस्या ही नहीं है। माँ की सेवा में कैसी समस्या, सर्व कुशल है महाराज। गुरुदेव, अपने चलने की गति को थोड़ा तीव्र कीजिए, उधर पंडित रामकृष्ण आपकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। ठीक से कीजिए इसे, आप भी इसे ठीक से फूल लगाइए। समस्त आयोजन हो गया मंत्रीवर, अब बस केवल महाराज और बाकी सबके आने की प्रतीक्षा है, किंतु ऐसा प्रतीत होता है जैसे उन्हें आने में थोड़ा विलंब होगा। हम भी माँ की शोभा यात्रा की ओर प्रस्थान करते हैं, संभवतः कोई आवश्यकता हो। जी मंत्रीवर, मैं तब तक माँ के चरणों में बैठकर प्रार्थना कर लेता हूँ। जी, जी। हे माँ, आज तुम्हारी सेवा करने का जो अवसर मुझे मिला है, ये मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है। आज का दिवस अत्यंत प्रसन्नता का दिवस है। आज आभूषणों से तुम्हें सुसज्जित करके तुम्हारा श्रृंगार करने का अवसर मिलेगा मुझे, और तुम्हारी मूरत
कितनी सुंदर दिखलाई देगी। बस यही आशीर्वाद देना माँ कि इसी तरह तुम्हारे चरणों में तुम्हारी सेवा करते हुए मेरा जीवन व्यतीत हो। आप सत्य कह रहे हैं, हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमें माँ की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। ये आशीर्वाद भी देना माँ कि भूल कर भी मुझसे कभी किसी का अहित ना हो, अच्छा करूं, अच्छा सोचूं, राज्य में सर्व कुशल मंगल हो, संतों का आदर हो और हमारे महाराज सदैव स्वस्थ और सुरक्षित रहे। जय माँ काली, 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 जय माँ काली। गुरुवर इधर से चलिए, ये मार्ग छोटा है, अति शीघ्र मंदिर पहुंच जाएंगे। अच्छा अवश्य। जय माँ काली, 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 जय माँ काली। मंत्री जी दुआ कहां से आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा महाराज। महाराज हमने हमने मंजूषा को गिरने से बचा लिया। महामंत्री जी यह अकस्मात धुआं कहां से आ गया? महाराज ऐसा प्रतीत होता है किसी ने अग्नि प्रज्वलित की थी और वायु के वेग से धुआं यहां आ गया था। परंतु महाराज अग्नि तो हमें कहीं भी दृष्टिगत नहीं हुई। मंत्रीवर हमें तो संदेह हो रहा है कि कहीं। महाराज महाराज शीघ्रता कीजिए अन्यथा महापूजा का मुहूर्त बीत जाएगा। जी महाराज। इस घटना की छानबीन महापूजा के पश्चात होगी। जो आज्ञा महाराज। चलिए शोभा यात्रा पुनः प्रारंभ कीजिए। जय माँ काली, 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 जय माँ काली। आज मैं अपने हाथों से तुम्हें आभूषण पहनाकर तुम्हारा श्रृंगार करूंगा और आज मेरी माँ विश्व में सबसे सुंदर दृष्टिगत होंगी। जय माँ काली। वो लोग आ गए, चलो चलो। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। लाइए गुरु, जय माँ काली, लाइए गुरु। माँ के आभूषण मैं लेकर चलता हूँ। लीजिए लीजिए। जय माँ काली, 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 जय माँ काली। लाइए लाइए। सर्वप्रथम माँ के आभूषणों को मंजूषा से निकालकर थाल में सुसज्जित किया जाएगा। उसके पश्चात आभूषणों की पूजा होगी हमारे द्वारा। जी गुरुवर, अनुमति दे महाराज। महाराज मंजूषा तो खाली है, इसमें मात्र एक पत्थर है, माँ के आभूषण नहीं है। चोरी,
महाराज माँ के आभूषण चोरी हो गए, अनर्थ, घोर अनर्थ। ये केवल चोरी नहीं हुई है, माँ के प्रति हमारी हमारी श्रद्धा और भक्ति पर आघात किया है किसी ने। रामा, ये क्या शुभ घटित हो गया? माँ के आभूषणों की चोरी, बस यही देखना रह गया था अब। त्रुटि मेरी है बंधु, मुझे वहां उपस्थित होना चाहिए था। माँ के आभूषणों की चोरी, मेरी माँ के आभूषणों की चोरी, ये कैसे हो गया माँ? ये घोर अनर्थ कैसे हो गया? For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.